गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, CSIR नेट GRF गेट के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। केमिकल साइंस CSIR नेट GRF 2015 जून में क्वेश्चन आया था, 4 मार्क्स का वर्ड रूल से। इसमें आया था आपका हाइड्रोबोरेन से। तो देखिए क्वेश्चन था, अकॉर्डिंग टू वेब्स थ्योरी द एनायन B12H12 टू निगेटिव एडप्ट, 4 मार्क्स का क्वेश्चन था। तो इसमें आपको वेट्स रूल से ये निकालना है B12H12 टू निगेटिव आपका क्लोजो नीडो आर्चिनो हाइपो में से कैसा स्ट्रक्चर है। तो देखिए ऑप्शन इसने दिया था, ए क्लोजो स्ट्रक्चर, बी आर्चिनो स्ट्रक्चर, सी हाइपो स्ट्रक्चर, डी नीडो स्ट्रक्चर। तो ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए करते क्या है, देखिए सॉल्व। सबसे पहले हम इसमें देख लेते हैं कि क्लोजो नीडो आर्चिनो आता कैसा है। पॉइंट्स है M+1, M+2, M+3, M+4। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत आसान है। देखिए M जो है टोटल नंबर ऑफ बोरॉन है और इसमें हमको Z निकालना होता है। Z इज इक्वल टू अगर आपका क्या आ जाए M+1, M+2, M+3, M+4। M आपका जो है टोटल नंबर ऑफ बोरॉन यानी 12 है। तो M+1 के लिए अगर आ गया तो क्लोजो स्ट्रक्चर, M+2 आ गया नीडो स्ट्रक्चर, M+3 आ गया आर्चिनो स्ट्रक्चर, M+4 आ गया हाइपो स्ट्रक्चर। तो ध्यान दीजिए M+1 में क्लोजो, M+2 में नीडो, M+3 में आर्चिनो, M+4 में हाइपो। देन इसका फॉर्मूला कैसे सॉल्व करना है, Z इज इक्वल टू N इंटू BH प्लस Y इंटू H प्लस माइनस चार्ज अपॉन 2। ये इसका फॉर्मूला हो गया। जेड की वैल्यू अगर हम इसे सॉल्व करेंगे, जेड की वैल्यू M+1, M+2, M+3, M+4 जो भी आए उसको हम यहां पर नोट कर लेंगे क्लोजो नीडो आर्चिनो हाइपो से। वेयर एन नंबर ऑफ BH ग्रुप्स, BH इलेक्ट्रॉन इन BH ग्रुप्स। देन उसके बाद है हमारा Y नंबर ऑफ H एटम्स, देन H हो गया इलेक्ट्रॉन इन H एटम। ये बैलेंसी के हिसाब से हमें इसमें इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो देखिए सॉल्व कर रहे हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, B12H12 टू निगेटिव। इसमें ये देखा जाता है जितने B है उतने ही उसको हाइड्रोजन दिए जाते हैं और B की बैलेंसी होती है 3। तो B में कितना आ गया, BH है तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो यहां पर आ जाएगा BH की जगह पे N कितने हो गए यहां पर 12। BH क्या हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन डोनर, क्योंकि एक ही H है, 2 हाइड्रोजन और आ सकते, तो 2 इलेक्ट्रॉन लिखेंगे। और बचे कितने, 12 B को हमने 12 H दे दिए, तो हमारे पास H कुछ भी नहीं बचा है, H यहां पर 0 बचा है। और जो यहां पर चार्ज प्लस होगा उसको यहां माइनस कर देंगे, जो माइनस होगा उसको ऐड कर देंगे। तो देखिए
एन कितना आ गया यहां पर, 12, बी एच टू इलेक्ट्रॉन डोनर, टू लिखेंगे, वाई जीरो है, कुछ भी नहीं बचा है, एच कितना होता है, वन इलेक्ट्रॉन डोनर, तो जेड हमें निकालना है, जेड इज इक्वल टू, जेड इज इक्वल टू आ जाएगा एन इंटू बी एच प्लस वाई इंटू एच प्लस माइनस चार्ज अपॉन टू। देखिए कितने आगे, एन की जगह पे 12 इंटू बी एच की जगह पे 2 और यहां पर प्लस वाई की जगह पर, वाई हमारे पास है ही नहीं, 0 इंटू 1 और यहां पर क्या है माइनस 2 है, तो ये हो जाएगा प्लस 2 अपॉन 2। कितना आ जाएगा, 12 इंटू 2 24, ये 0 हो गया और ये हो गया प्लस 2 अपॉन 2, ये आ जाएगा आपका, यहां पे लिख लेते हैं, ये आ गया 24 प्लस 2 26 अपॉन 2, डिवाइड कर लोगे तो कितना आ जाएगा 13। अब देखो 13 को हमें ऐसे डिवाइड करना है कि उसमें नंबर ऑफ बोरॉन एटम को अलग लिख लेना है, तो इसको हमें डिवाइड करना है, बोरॉन एटम कितने हैं इसमें 12, अब क्या बचा प्लस 1, 12 प्लस 1, 12 की जगह पे हम लिख देते हैं m प्लस 1, जब m प्लस 1 आ जाता है तो कैसा होता है, क्लोजो स्ट्रक्चर, ये आ गया ऑप्शन ए राइट है। तो क्या करना है, सबसे पहले आपको फॉर्मूला आना चाहिए और नंबर ऑफ बी एच में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, देन m प्लस 1, m प्लस 2, m प्लस 3, m प्लस 4 क्या होता है। तो कैसे सॉल्व किया हमने इसको, m प्लस 1, m प्लस 2, m प्लस 3, m प्लस 4 के हिसाब से क्लोजो नीडो आर्चिनो हाइफो आता है, फॉर्मूला ये हो गया। फॉर्मूले में हमने सबसे पहले कहा कि जितने बोरॉन होते हैं उसको उतने ही हाइड्रोजन देने होते हैं, तो हमारे पास 12 बोरॉन 12 हाइड्रोजन है, तो क्या हो गया 12 बी एच हो गया और हाइड्रोजन कुछ भी नहीं बचा तो 0 आ गया, माइनस 2 है तो ऐड हो जाएगा, प्लस 2 है तो माइनस हो जाएगा, तो ये निकाल दिया हमने m प्लस 1 क्लोजो स्ट्रक्चर, 4 मार्क्स का क्वेश्चन, ऑप्शन ए राइट। थैंक यू सो मच।